हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे आई बी डिस्कसिंग अबाउट द एक्सटेंट ऑफ हरपन सिविलाइजेशन अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें स्पेसिफिकली इफ़ यू टॉक अबाउट द एशंट इंडियन हिस्ट्री सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है uh, आप देखेंगे हिस्ट्री में बहुत सारी सिविलाइजेशन रही हैं ना सिर्फ इंडिया में बट आउटसाइड इंडिया आल्सो जैसे कि मेसोपोटामियन इजिप्ट चाइना ठीक है अब ये जितनी सिविलाइजेशन है इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट फीचर मिलेगा वो ये है कि ये सारी जो है वो इंडस वो सारी रिवर्स के बैंक पे सिचुएटेड हैं फॉर एग्जांपल हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पे कहते हैं वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें इंडस रिवर के बैंक में उसकी वेसिनिटी में मिली है सो so, और सिमिलरली आप अगर दूसरी सिविलाइजेशन की बात करें सो दे ऑल्सो फ्लरिश्ड Uh, in the banks of the river, like Tigris, Euphrates, Nile, Huang, etc. So, जो इंडस वैली और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है दे शेयर मेनी सिविलाइजेशन थी और इनकी काफी जो चीजें हैं वो सिमिलर हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पे आई वुड लाइक टू कोटा हिस्टोरियन जो जिनका नाम है एच हेरिस वो कहते हैं कि द एशियंट सिविलाईजेशन ऑफ इजिप्ट बेबीलोनिया एंड इसेरिया है have been blotted out from the map of the world वर्ल्ड बट दैट ऑफ इंडिया द फर्स्ट लाइट विच हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन मॉडर्न टाइम्स अलॉन्ग द बैंक ऑफ द इंडस इज स्टिल अ लाइफ कि अगर हम कंपेयर करें इंडियन सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन को अदर सिविलाइजेशन के साथ सो वो हमें अब देखने को उसके रिमेन्स हमें देखने को ज़्यादा नहीं मिलते हैं और अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो उसके रिमेन्स हमें काफ़ी मिले जिसकी वजह से जो हिस्टोरियंस है दे दे आर एबल टू रिकन्स्ट्रक्ट द एंशंट इंडियन हिस्ट्री और आजकल जो रिसेंट हिस्टोरियंस हैं वो इसको चेलक्लोथिक सिविलाइजेशन और एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम पे जो मेटल यूज किए गए थे यूज किया गया था जिसके थ्रू वो लोग यूटेंसिल्स बनाते थे स्टेचूज टूल्स ये डिफरेंट चीजों में ब्रांज का यूज होता था जिसकी वजह से इसको ब्रॉन्जेज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है तो चलिए uh, ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं जो है हमारा टॉपिक एक्सटेंट सो बिफोर दैट हमें उससे पहले ये देखना है कि डिस्कवरी कैसे हुई थी तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था सो इट वाज इन 1921 टू 22 कि जो आरडी डी बैनर्जी है ही वाज ऑपरेटिंग दी एक्सकवेशन वर्क ऑन अ बुद्धिस तूपा एट मोहन इन सिंध तो वो ऑलरेडी एक एक्सकवेशन कर रहे थे जिसके दौरान पे उनको कुछ ऐसी सील्स मिली कुछ आर्टिकल्स मिले जो इससे पहले कभी भी हमें देखने को नहीं मिले थे तो जिससे ये पता लगता है कि उन्होंने एक एंशियंट सिविलाइजेशन का पता लगाया था सिमिलरली दया राम सहानी ने इनका वर्क था नाइनटीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन में ही वॉज ऑल्सो एक्सकवेटिंग दी हरप्पन साइट इन द मोटो गंजाब ठीक है एंड डिस्कवर्ड सिमिलर रिमेन्स ऑफ बिग बेग ब्रिक्स एंड सील्स तो अब क्या है ये डिफरेंट प्लेसेस पे जो एक्सकवेशन हुई है तो उसमें कुछ कॉमन चीजें हमें देखने को मिल रही थी जैसे की आर डी बैनर्जी ने जो uh, एक्सकवेट किया या दया राम सहानी ने जो चीजें एक्सकवेट करी जो भी चीजें उन्हें मिली वो कहीं ना कहीं सिमिलर थी तभी बोला जाता है कि बिकॉज हमें वो सिमिलैरिटी देखने को मिलती है तो जिसकी वजह से ये एक ही सिविलाइजेशन के पार्ट होगा उसके बाद आते हैं सर जॉन मार्शल ही वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कही कि हो ये जितने भी आर्टिकल इनको ज्यूरिंग द एक्सक जो मिले जो आर्टिफेक्ट मिले वो एक सिविलाईजेशन की तरफ इशारा कर रहे थे जो, जो कि एक ही एज में एक सिमिलर uh, सिविलाइजेशन में वो चीजें हमें देखने को मिलती हैं सो so, और वो ऐसी चीज थी जो इससे पहले अननोन थी तभी हम देखेंगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो मॉडर्न टाइम्स में हमें उसके बारे में पता लगा है उससे पहले ये सिविलाइजेशन हमारे लिए अननोन थी लेटर ऑन आप देखोगे बड़े सारे आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है जैसे कि सर मॉड मोर टाइम व्हीलर मैके एम एन बी बीबी लाल एम एन राव एक्सेट्रा तो ये सब ने कंट्रीब्यूट किया है इन ऑर्डर टू यू नो टू हरप्पन सिविलाेशन more more जो भी excavations की जो भी अपनीच की उसके थ्रू हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउटेशन और उसके बाद, आज के डेट में वी हैव अराउंड वन थाउजेंड ट्वेंटी टू हरप्पन साइड और ये ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि uh, ये मामला अभी खत्म हो गया है अभी भी बड़ी सारी चीजें डिस्कवर होती जा रही हैं और ये अ uh, चलती रहेंगी जब तक कि हमें और साइट इसकी नहीं मिल जाती हैं सो हिस्ट्री कभी भी खत्म नहीं होती आप हिस्ट्री में देखेंगे हर वक्त रिसर्च होता है हर वक्त कोई नई चीज मिलती है जिसके बारे में लोग लिखते हैं पढ़ते हैं सो so, सिमिलरली फिर वो रिसर्च बन जाती है नेक्स्ट हम बात करेंगे तो दिस वॉज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ हरपन सिविलाइजेशन नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डेट ऑफ दरपन सिविलाइजेशन अब कौन से टाइम फ्रेम में इस सिविलाइजेशन को हम डालते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉल different point of view, different historians. कोई अपनी समझ से कोई अपनी रिसर्च से उसको एक टाइम फ्रेम देता है कोई डिफरेंट देता है तभी आप देखोगे हिस्ट्री में आपको बड़े डिफरेंट टाइम स्लॉट मिलते हैं बड़े डिफरेंट टाइम पीरियड मिलते हैं उसके पीछे रीजन ये है जिसकी जैसी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली वो एक टाइम फ्रेम देता है तो उसी तरीके से आप देखोगे की जॉन मार्शल जो है वो इस जो सिविलाइजेशन है उसका टाइम फ्रेम बताते हैं फ्रॉम थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी बी सी टू टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड बी सेवन हंड्रेड फिफ्टी

डेट्स से उन्होंने करेक्शन करी और जो लोअर लिमिट है सिविलाइजेशन की वो उन्होंने कर दी 1700 BCE उसके बाद है डीपी अग्रवाल ही हैज प्लेस द पीरियड बिटवीन द इयर्स 2300 BCE टू 1700 BCE आफ्टर अ सीरीज ऑफ साइंटिफिक टेस्ट ऑफ द आर्टिफिस फाउंड फ्रॉम डिफरेंट साइट्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन थ्रू कार्बन 14 डेटिंग तो आपको मालूम होगा ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो टाइम पीरियड बता लगाने के लिए एक साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं जिसको कहते हैं कार्बन फोटीन तो जिसके थ्रू डी पी अग्रवाल ने बताया कि ये ये मेथड यूज करके कि ये जो सिविलाइजेशन थी ये ट्वेंटी थ्री हंड्रेड बी सी सेवनटीन हंड्रेड बी तक रही है इसके बाद डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है डिफरेंट हिस्टोरिक बिफोर दिस हम ये डिस्कस करते हैं कि जो फेजेस हैं तो अब हरप्पन सिविलाइजेशन है उसको हम बेसिकली तीन फेज में डिवाइड करते हैं पहला है अर्ली हरप्पन फेज दूसरा है मिच्योर हरप्पन फेज उसके बाद आता है लेटर लेट हरप्पन फेज सो अर्ली हरप्पन जब ये सिविलाइजेशन एक्चुअली शुरू हो रही थी ठीक है तब वो अपनी पीक पे नहीं थी तो अभी शुरुआत ये टाइम फ्रेम है फ्रॉम थर्टी टू हंड्रेड बी सी टू 1600 हंड्रेड उसके बाद mature Harappan फेस क्या है जब ये सिविलाइजेशन अपनी पे थी मतलब जब सबसे ज्यादा आपको डेवलपमेंट हर एक फेयर में देखने को मिलता है और इसका टाइम फ्रेम है, है, है ठीक है और ये आता है फ्रॉम नाइनटीन हंड्रेड बी टू फोर्टीन हंड्रेड बी सी ई सो दिस वॉज अबाउट दरपन सिविलाइजेशन अगर हम रेस की बात करें uh, कि ये जो हरप्पन

So, ये कहते हैं इसके बाद डॉक्टर गोडॉन शिल्दे हैं ही इज ऑफ द व्यू कि जो इंडस वैली पीपल थे दे बिलोंग टू द सुमेरियन रेस उसके बाद डॉक्टर गुहा है वो ये कहते हैं कि ये मिक्स्ड रेस के लोग थे इसके बाद it has been claimed in recent times that the indus valley people belong to the aryan race वैसे तो हम हरप्पन जो लोग हैं उनको आर्यन से अलग मानते हैं बिकॉज अगर हम इनकी डिक्लाइन की बात करें डिसअपियर की बात करें हरप्पन सिविलाइजेशन की तो उसमें से एक रीजन आता है द अटैक ऑफ द आर्यन सिविलाइजेशन देर आर मल्टीपल रीजन डिफरेंट हिस्टोरियंस दे आर गिविंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग द डिक्लाइन बट उसमें से एक जो है जिसमें कहते हैं कि आर्यन ने अटैक किया है तो तभी हिस्टोरियंस कहते हैं तो कई कहते हैं कि नो देवर नॉट आर्यन वेर आर समेवर आर्यन देर आर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज इसके बाद

आउट इट्स आउटसाइड ओरिजिन ठीक है तो ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जो डिफरेंट हिस्टोरियन होल्ड करते हैं रिगार्डिंग द रेस ऑफ दरपन पीपल सो ये हो गया आपका डिस्कवरी फेज एंड द रेस ऑफ द पीपल अब हम नेक्स्ट uh, डिस्कस करेंगे अबाउट दी हरप्पन सिविलाइजेशन कि कौन कौन सी मेन साइट्स हैं जहां पे हमें इस सिविलाईजेशन uh, uh, के बारे में रेफरेंस मिलता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो साइट है दैट इज हरप्पा जिसके नाम पे सिंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम हरप्पन सिविलाइजेशन पड़ा है सो so, ये जो साइट है इट वॉज डिस्कवर्ड बाय दया राम जब वो अपना एक्सकवेशन कर रहे थे एट हरप्पाड लाहौर इन दी एक्सकवेशन वर्क और इन्होंने बुक नेम्ड एक्सकवेशन ऑफ हरप्पा जो कि काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट दी हरप्पन कल्चर और ये जो हरप्पा है इट इज सिचुएटेड इन मोन्टो डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान टू द नॉर्थ ऑफ रावी एट अ डिस्टेंस ऑफ सिक्स माइल्स तो ये आ, पाक, आप देखेंगे ये जो जितनी भी मेजर साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की ये पाकिस्तान में आफ्टर पार्टिशन वो सारी पाकिस्तान में चली गई है सो so, ये मोन्टो डिस्ट्रिक्ट है जो पाकिस्तान का उसके पास आपको ये साइट मिलेगी एंड जो कुछ हिस्टोरियंस है ये मानते हैं ऐसा कि जो हरप्पा और मोहन जो है

देखने की देखने को मिलेगी जो की काफी अच्छे वेल इक्विप्ड थी सो दैट इज द रीजन वी कॉल द सिविलाइजेशन एज अर्बन सिविलाइजेशन और आपको बहुत सारे और जो सिटीज थी वो प्रॉपर प्लान थी और Uh, हमें काफी सारे जो एक्सकवेशन के टाइम पे वी हैव फाउंड सिक्स लेयर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स तो हमें हरप्पा में डिफरेंट लेयर्स मिलती है की तो ऐसा बोला जाता है हिस्टोरियन क्लेम करते हैं क्योंकि ये जो लेयर्स हैं सॉइल की तो जिससे ये पता लगता है कि ये जो सिविलाइजेशन थी वो बार बार ये डिस्ट्रॉय हुई और उसके बाद दोबारा इसको रिहेबिलिटेट किया गया तो खत्म हुई फिर बसी खत्म हुई फिर बसी इसी वजह से हमें ये लेयर्स देखने को मिलती है अगर हम हाउसेस uh, की बात करें सो हाउसेस वर हाउसेज वी इट शोज दैट पॉपुलेशन वॉज फेयरली डेंस क्योंकि घर काफी क्लोज है तो जिसकी वजह से पता लगता है कि काफी डेंस पॉपुलेशन थी अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देने की यह है कि हम अभी तक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं जिसकी वजह से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो किसके थ्रू मिलती है थ्रू द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो भी एक्सकवेशन के दौरान हमें चीजें मिली है उसके थ्रू ही हम पता अंदाजा लगाते हैं कि ये सिविलाइजेशन कैसी होगी हो सकता है जब हम इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर ले जब हम इसकी स्क्रिप्ट पढ़ पाए हमारे पास कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन तब मिले हो सकता है हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी हम क्लेम कर रहे हैं वो कुछ गलत भी हो और वो फिर हमें कुछ और नई चीजें मिले पर उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो स्क्रिप्ट रिसाइफर नहीं हो जाती है सो so, अब यहाँ पे जो भी एक्सकवेशन uh, या रिमेन्स में चीजें उसके uh, में चीजें मिली है वो अंदाजा लगा रहे हैं और ऐसा माना जाता है ये जो टाउन था हरप्पा इट हैड डिवाइडेड टू सेक्टर्स सो एक था ईस्टर्न सेक्टर और दूसरा था वेस्टर्न सेक्टर जो ईस्टर्न पार्ट था इट इज ऑलमोस्ट इन रूएस एज द दीपल है ब्रिक्स एंड यूज समवेयर एल्स क्या है कि ईंटे पहले तो तो ये जो साइट है इसको बड़ा लेट डिस्कवर किया गया तो जो लोग वहां पे रहते थे इन साइट्स के आसपास जो लोग रहते उन्होंने इन ईटों का इस्तेमाल अपने घर बनाने में कर लिया तो जिसकी वजह से हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती ईस्टर्न पार्ट की अगर हम बात करें वेस्टर्न सेक्टर की तो ये रेक्टेंगुलर सिटाडेल है हैड कंस्ट्रक्टेड ऑन अ फीट हाई प्लेटफॉर्म एंड सिटाडेल क्या है थोड़ा आपको ऊंचाई पे जो चीज देखने को मिलती है आप देखोगे जो टाउन है वो इस तरीके से प्लान किए गए हैं कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है तो एक तो सिटाडेल है जहां पे रिच पीपल रहते हैं ऐसा क्लेम किया जाता है और जो जो लोअर टाउन है वहां पे जो कॉमन मासेस है वो रहते थे एंड देर वॉज अ वॉल अराउंड द फोर्ट और ये आप देखेंगे ये जो सिटी है वो ओवरऑल फोर्ट से कवर्ड uh, है मतलब इसको चारो तरफ से फोर्ट बनाया गया है इनऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिटी एंड हाउस जो है इट वॉज मेडअप ऑफ किल बॉन्ड ब्रिक्स पकाए पके हुए ईंटों की बने हुए हैं ये जो घर है तभी वो देख देख सकते हैं आप कि अभी तक वो इतने मजबूत है अभी भी वो ईटे इतनी मजबूत है इसके साथ साथ जो हाउसेज है इट वॉज वेल वेंटिलेटेड प्रॉपर हवा आती थी कई घर तो स्टबल स्टोरीड भी होते थे हर घर में वेल well था और बाथरूम भी था और जो सिटा डिल थी देर वर सिक्स गोडाउन फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन तो हमें बड़े बड़े स्टोर हाउसेस भी मिले हैं जहां पे ये लोग स्टोर ग्रेन को स्टोर करते थे एंड ये जो गोडाउन है वो हमें काफी रिवर के नजदीक मिले हैं सो so जिससे अज्यूम किया जाता है कि जो फूड ग्रेन है हो सकता है ये लोग ट्रांसपोर्ट करते हो एक्सपोर्ट करते हो ठीक है अब क्या है कि उस समय पे बाटर सिस्टम होता था करेंसी यूज नहीं होती थी तो ये लोग जो भी टैक्स एज अ टैक्स जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे लोगों से वो किसके फॉर्म में करते थे ग्रेन के फॉर्म में तो ये हो सकता है कि बड़े-बड़े गोडाउनस बनाए हुए थे जहां पे ये फूड ग्रेन्स को स्टोर करते थे एंड वो बिकॉज़ वो रिवर्स के पास है तो जिससे ये बोला माना जाता है कि ये यहाँ से उसका ट्रांसपोर्ट भी करते होंगे एंड जो ये गोडाउनस थे उनमें बड़े सारे रूम्स थे और कॉरिडोर था एंड और इसके साथ साथ दो रूम फ्लैट्स भी मिले हैं मतलब ये गोडाउन के पास में छोटे छोटे क्वार्टर्स मिले हैं जहाँ जो ये बोला जाता है कि यहाँ पे लेबर्स जो इस गोडाउन में काम करते थे वो यहाँ पे रहते होंगे इसके साथ साथ हमें जो भी ये गोडाउन में बचे हुए हमें कुछ चीजें मिली हैं जिससे पता लगता है कि वो लोग ये क्रॉप्स को ग्रो करते थे जैसे कि वीट बारले

थे ये सारे टाउन्स और इसको हम मोहनजोदारो का लिटरल मीनिंग है माउंट ऑफ द डेड माउंट ऑफ द डेड इसको क्यों बोलते हैं बिकॉज़ वी हैव फाउंड सेवन लेयर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इंडिकेटेड दैट इट गॉट रून एंड सेवन टाइम्स एंड वाज रिहैबिलिटेटेड अगेन तो हमें सेवन लेयर्स मिली हैं यहां पे जिससे पता लगता है जैसे कि हमने हरप्पा की बात करी तो ये भी क्या है यहाँ पे भी मिली है, जिसका मतलब नष्ट किया गया था और उसके बाद ये दोबारा स्टैब्लिश हो गया दोबारा रिहेबिलिटेट हो गया सो so इसीलिए हम इसको माउंट ऑफ द डेड कहते हैं और 1922 में आर डी बैनर्जी है जब वो अपनी एक्सकवेशन वर्क कर रहे थे एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में तो तब उन्होंने ये साइट जो है वो डिस्कवर करी थी इसके साथ साथ बहुत सारे और हिस्टोरियंस हैं बड़े सारे और आर्कियोलॉजिस्ट हैं जैसे कि एम एस वर्स के एन दीक्षित सन जॉन मार्शल एच हरग्रीव्स एंड ई जी एच मेके इन सब ने भी एक्सकवेशन में काफ़ी हेल्प करी है और अगर हम बात करें मोहन जुदारो की इट तो वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पन कल्चर और ये आ, इसका जो एरिया है इट इज अराउंडर माइल और जैसे कि हड़प्पा दो सेक्टर्स में डिवाइडेड है उसी तरीके से ये मोहन भी ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर में डिवाइडेड है एंड ईस्टर्न सेक्टर वाज़ लार्जर इन साइज देन द वेस्टर्न सेक्टर एंड बोथ द सेक्टर्स वर सराउंडेड बाय अ वॉल आप देखोगे की ये दीवारों से ये घिरे हुए हैं ये जो सेक्टर्स है एंड जो ईस्टर्न सेक्टर था वो जो वेस्टर्न सेक्टर है उससे लोअर है इसी वजह से हम इसे लोअर माउंट भी कहते हैं ठीक है तो एक तो ऊपर थोड़ा सेक्टर है एक थोड़ा नीचे को है तो लोअर टाउन है एंड यहाँ पे जो रोड्स थी वो कब कितनी 30 फीट वाइड भी होती थी जो कि कहाँ से ईस्ट से वेस्ट जाती थी और नॉर्थ से साउथ जाती थी तो आप देखेंगे जो रोड्स हैं वो भी इतनी मैथमेटिकली करेक्ट हैं हर जो रोड थी वो राइट right एंगल पे कट करती थी तो बहुत अच्छा और इस तरीके से इन्होंने सड़कें बनाई थी कि जब हवा चलती थी तो वो ऑटोमेटिकली जो सड़कें थी वो क्लीन हो जाती थी सो so, और अगर हम घर की बात करें उसेज वर ऑन द साइड तो प्रॉपर टाउन प्लानिंग थी एंड रूम वर मेड ऑफ बेग ड्रिक्स तो आपको आपको एक घर का भी कमरा मिलेगा दो का भी और बड़े सारे कमरों का भी घर मिलेगा ठीक है और ये सब किससे बने होते थे बेग डिग्स से बेग डब्रिक्स पके हुए ईंटों से तभी वो काफी मजबूत होती थी और आपको हर घर में एक वेल देखने को मिलेगी बाथरूम देखने को मिलेगा एंड कुछ जो हाउसेस हैं वो टू स्टोरीड है थ्री स्टोरीड भी है एंड दे हैड अ प्रोविजन फॉर अ स्टोर आल्सो एंड प्रॉपर परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम था जब ये जो इनकी टाउन प्लानिंग है जब मैं उसमें हम डिटेल में इनकी टाउन प्लानिंग को करेंगे सो so हम पढ़ेंगे कि कितना अच्छा था जो ड्रेन थी उनके ऊपर स्लैब्स लगाए हुए थे और उसको टाइमली उस स्लैब को उठा के जो लोग थे उसको क्लीन करते थे तो प्रॉपर इनका जो सीवरेज सैनिटेशन सिस्टम था वो प्रॉपरली वेल मैनेज था अब यहाँ पे जो मोहन जोदारो साइट है यहाँ पे हमें एक दो इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है एक तो है ग्रेट बाद और दूसरा है ग्रेट ग्रेनरी सो so ये ग्रेट बाद कहाँ है uh, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है इस सिटी का सो uh, so ये जो ग्रेट बाद है इट्स आउटर एरिया इज 180 हंड्रेड एटी इंटू हंड्रेड एंड एट किस तरीके से आ, है, एक बड़ा सा बीच में स्विमिंग पूल है जहां पे लोग आते हैं स्टेयर्स के थ्रू आते हैं ठीक है और ये आ, जो ग्रेट बात है देवर प्लास्टर विद जिप्सम और बिटामिन टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ लीकेज तो ये जो पूल है ये जिप्सम से और विटामिन से इसको प्लास्टर किया गया है जिससे कि लीकेज ना हो और इसी के साइड में आप आगे चलकर देखोगे जब ये हम टाउन प्लानिंग करेंगे तो उसमें मैं अच्छे से इसको डिस्कस करूंगी सो तो वो इस तरह टैंक है जो कि यहाँ पे अः फ्रेश वॉटर देता है मतलब साफ पानी देता है और एक जो ड्रेन बनी हुई है जो की डॉर्टी वॉटर को बाहर निकाल देती है इसके साथ साथ तो एक ये इम्पोर्टेंट फीचर है इस साइट uh, का इस सिटी uh, का इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है ग्रेट ग्रीनरी सो ये जो ग्रेट ग्रीनरी है ये बेसिकली ग्रीन uh, जो हमें हरप्पा में भी मिली है कि यहाँ पे ये लोग ग्रीन को स्टोर करते थे सो देर वॉज अ प्रोविजन फॉर द सो बिसाइड्स इट वॉज सेवरल रूम्स एंड मतलब वो जो अः uh, होती थी वहां पे रूम्स होते थे बड़े सारे और बीच में एक कॉरिडोर होता था और इसके साथ साथ यहाँ पे जो ग्रीनस हैं उनको स्टोर किया जाता था और ये जो ग्रीन हाउसेस हैं इनके साथ में आपको लेबरर के क्वार्टर्स भी मिलेंगे जो यहाँ पे वर्क करते थे इसके बाद ये जो दे डायमेंशन दे अगर हम इनके डायमेंशन की बात करें सो दिस वाज ट्वेंटी

जो एक आ, प्लेस है जो हमें इस सिविलाइज इस सिटी में मोहनजोदारो में देखने को मिलती है उसके बाद नेक्स्ट आता है कालीबाग तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हड़प्पा और मोहनजोदारो मोहनजुदारो पे हमें मेन मेन जो हम कह सकते हैं बड़े बड़े प्लेसेस जैसे कि ग्रेट बात ग्रेट ग्रेनरी ऐसी चीजें देखने को मिलती है बाकी सब भी इंपॉर्टेंट टाउन है बट दीज वर द टू जो सबसे इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं बिकॉज वी आर ऑल्सो कॉलिंग इट एज दी नर्दन एंड सदर्न कैप

हर घर में आपको एक वेल देखने को मिलेगा जो हड़प्पा टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम डिड नॉट एग्जिस्ट हेयर सो so, अगर हम जैसा जो ड्रेन हमें क्योंकि जो मोहन और हड़प्पा है काफी डेवलप्ड सिटीज थी सो so, अगर हम उनसे कंपेयर करें तो उतना अच्छा ड्रेन सिस्टम हमें यहाँ पे नहीं मिल सकता मिलता है तभी हम कह सकते हैं ये थोड़ा अंडर जो काली बंगल सिटी था सो ये लिटिल बिट इट वॉज अंडर डेवलप्ड नेक्स्ट कम्स दी चाहुंदारो सो चाहुंदारो सिटी है इसको नाइनटीन में एन जी मजुमदार ने एक्सकवेशन का, का काम यहाँ पे शुरू किया था अंटिल नाइनटीन And uh, this colony is situated to the south of Mohanjudaro at a distance of eighty miles. So, ye आपको मोहनजोदारो के पास में ये सिटी मिलेगी एंड जो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम था वो सिमिलर था हरपा से और इसकी जो ट्राइन जो टाउन प्लानिंग है वो किस तरीके से थी एक चेस बोर्ड की तरह से थी एंड हमें यहाँ पे एक फैक्ट्री मिली है बीड्स की जो बीड्स वो लोग ज्वेलरी में यूज करते थे उस बीड्स की हमें यहाँ पे एक फैक्ट्री मिलती है नेक्स्ट आता है लोथल जो लोथल है दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये सिचुएटेड था आ, है डिस्टेंस ऑफ़ 16 माइल्स uh, 60 फ्रॉम अहमदाबाद इन गुजरात कथियावार सो ये हमें इंडिया में मिलता है गुजरात के पास ठीक है एंड यहाँ पे हमें एक डॉकयार्ड मिला है जो कि बना है किससे किल्न बर्ंट ब्रिक्स से किल्न क्या होता है एक टाइप ऑफ ओवन बड़ा अवन जहाँ पे ये ब्रिक्स को बनाया पकाया जाता है तो उससे बना हुआ हमें एक डॉकयार्ड मिलता है जिससे हमें ये मालूम चलता है कि यहाँ से इस डॉकयार्ड से ये लोग जो ट्रेड करते थे दूसरे लोगों के साथ दूसरी कंट्रीज के साथ

यहां पे आप ये एक मेच्योर फेस का मैप है बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कहाँ कहाँ पे ये साइट है मोहनजदारो चाहुंदारो ठीक है सो कालीबंगन तो ये आप इस मैप के थ्रू आप देख सकते हो कि ये सिटीज कहाँ पे हैं, तो कुछ सिटीज जो है अब पाकिस्तान में चली गई हैं और कुछ सिटीज जो अभी हमें इंडिया में देखने को मिलती हैं सो मूविंग ऑन नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंट साइट आमरी सो जो आमरी है ये लोकेटेड है एट अ डिस्टेंस ऑफ 165 किलोमीटर इन द साउथ ऑफ मोहनजोदारो इन द सिंध प्रोविंस और जो एनजी मजुमदार है यहाँ पे उन्होंने एनजी मजुमदार ने यहाँ पे एक्सकवेशन का काम किया था इन नाइनटीन ट्वेंटी एडी एंड यहाँ पे बड़े सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं बड़े सारे आर्टिकल्स मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो तो जो ये रिमेन्स यहाँ पे जो मिले उससे पता लगता है

tools, bangles, and toys. जिससे पता लगता है कि ये जो आर्टिकल्स थे ये काफी सिमिलर थे हमें मोहन जुदारों में जो आर्टिकल्स मिले हैं उनसे सो so, ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइट है एंड फॉर द डिफेंस ऑफ द टाउन ऑफ फीट वाइड स्टोन फाउंडेशन हैड बीन बिल्ट अराउंड इट एंड देर वाज अ वॉल ऑन द फाउंडेशन इट्स रिमेन्स आर अ क्लियर एविडेंस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन तो इन आप देखोगे की जितनी भी सिटीज की हम बात करें सब एक वॉल से इसको सराउंड किया गया है इसके बाद आता है

और सिमिलर रिमेन्स अली मुराद शाही तुम विच आर क्वाइट नियर टू सिद्धका गेंदोर तो बहुत सारी साइट्स हैं एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी टॉक्ट कि देर वर वन थाउजेंड ट्वेंटी टू साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन बट यहाँ पे मैं सिर्फ मेन मेन जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट साइट है वो डिस्कस कर रही हूँ सो so उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका संघोल सो so ये जो साइट है इट पॉसिबली हैव बिन डिराइव फ्रॉम द वर्ड संघ ये जो संघोल नाम है ये संघ संग से डिराइव uh, होता है जिसका मतलब है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री सो द प्लेस मस्ट है फेमस सेंटर ऑफ बुद्धिज्म क्योंकि संघोल नाम है तो संघ जो की बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के लिए यूज किया जाता है तो ये एक इंपॉर्टेंट सेंटर होगा

एस एस तलवार ने जो कि एक ऑफिसर है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में और यहाँ पे भी काफी सारी आर्टिकल्स हमें देखने को मिली है जैसे पॉटरी कॉपर्स ऑर्नमेंट्स बेग्ड ब्रिक्स बीट्स एंड आइडल्स और ये सब काफी सिमिलर है उन आर्टिकल से जो मिलते हैं हमें मोहन जुदारो और हरप्पा में जिसकी वजह से संगोल भी एक इंपॉर्टेंट साइट है इसके बाद आता है कोटला निहंका एंड रोपर सो so ये नो जो कोटला निहंका है ये रोपर के पास है और यहाँ पे एक ऑफिशियल था जिनका नाम था एम एस वर जो कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करते थे इन्होंने एक्सकवेशन किया 1929 टू 30 तक और इन 1955 एडी ऑन द बैक्स ऑफ सतलुज एट वर तो आप देख सकते हो कि बहुत मॉडर्न पीरियड में ये एक्सकवेशन हुए हैं और जो यहाँ पे आर्टिकल्स मिले हैं वो भी जो आर्टिकल्स मिले हैं ड्यूरिंग द एक्सकवेशन वो बताते हैं कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है उसके बाद चंडीगढ़ चंडीगढ़ भी रोपड़ के पास ही है एंड जो एक्सकवेशन वर्क है यहाँ पे किसने किया था ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आपको मालूम होगा कि एक पंजाब यूनिवर्सिटी है सो तो पंजाब यूनिवर्सिटी में स्कॉलर्स हैं उन्होंने यहाँ पे एक्सकवेशन में काम किया था और यहाँ पे काफी सारी आ, हमें आर्टिकल्स मिले हैं जैसे कि पॉटरी मिली है हाउस होल्ड गुड्स मिले हैं जो कि अगेन सिमिलर है मोहन और हप्पन सिविलाइजेशन के आर्टिकल से So, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट uh, है इसके बाद नेक्स्ट आता है साइट्स इन बहावलपुर स्टेट सो so, ये जो बावलपुर स्टेट है यहाँ पे हमें काफी सारी साइट्स मिली है और ये सिचुएटेड है नियर सिंध प्रोविंस एंड uh, यहां पे सर ओरियल सर ओरियल स्टेन एक्सकवेशन का काम किया था और uh, 11 साइट्स डिस्कवर करी थी इन 1942-41 एडी और ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट हैं जैसे कि अहमवाल दईवाल दरावर गरकवाली टू चबुवाल खानपुर थार कुदवल शिकरी जलपुर एंड त्रिकोआ एंड जो यहाँ के रिमेन्स हमें मिले हैं वो सिमिलर हैं किससे अगेन और दूसरी जो इंडस वैली साइट्स है उनसे इसके बाद नेक्स्ट आता है मिथाथल बनावली एंड राखी गरी सो so, एक रिनाउंड साइंटिस्ट है ॉजी डिपार्टमेंट जिन्होंने यूनिवर्सिटी अब आप देखेंगे उन्होंने यूनिवर्सिटी uh, तो के स्कॉल है उन्होंने काम किया है हरियाणा में एंड इन दीज फाइंडिंग फाउंड एट राखी गढ़ी नियर जिंद एंड सिरसा सो राखी गढ़ी एक इम्पोर्टेंट अः साइट है जहां पे एक स्केलेटन मिला है एंड

ऑफ उत्तर प्रदेश सो ये जो एक्सकबेशन है यहाँ पे काम किया था वाई डी शर्मा ने इन 1958 एडी और यहाँ पे जो रिमेन्स हमें मिले हैं वो अगेन काफी सिमिलर है और साइट से सो so, ये था आ, पूरा अबाउट द एक्सटेंट ऑफ हरपन सिविलाइजेशन तो आप देख सकते हैं कि जो हरपन सिविलाइजेशन है वो कहाँ कहाँ तक फैली है इस मैप में आप देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और ये मेच्योर फेस की साइट्स हैं जब ये सिविलाइजेशन आपकी पीक पे थी सो so, मैंने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स को डिस्कवर किया बट इसके अलावा भी काफी सारी साइट थी वो आप देख सकते हो सो so, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे